अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड चैनल फूड ट्विस्ट। आज हम बना रहे चिकन पालक। यहाँ पर हम यूज़ करें 200 ग्राम बोनलेस चिकन, एक कप कैंड पालक में यूज़ करें तो फ्रेश भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक टमाटर जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया, 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले जो मैं यूज़ करी वो है 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली, तो 1 teaspoon कसूरी मेथी। यहाँ पर मैंने 2 tablespoon ऑयल लिया है, तो ये गर्म हो जाए तो फिर इसमें चिकन डालेंगे। चिकन मैंने डाल दिया, थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लें जब तक ये थोड़ा सा कच्चे पलते हैं। ये आज हम डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। कलर चेंज हो गया तो अभी इसमें अभी लहसुन अदरक पेस्ट करेंगे। ये भी अच्छे से भून लें। एक मिनट के लिए, एक मिनट हो गया तो अभी इसमें टमाटर डालेंगे। फिर सब मसाले डालेंगे। तो अभी इन मसालों को अच्छे से भून लें 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गए, माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा हो गया। अभी तो अभी इसमें हम पालक डालेंगे। अभी 2 tablespoon पानी डालेंगे। हीट लो करके कवर करके तो इसको 5 मिनट के लिए पकाएं, जब तक ये पानी ड्राई होता है और ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए साग में और चिकन में। पाँच मिनट हो गए तो अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें, पानी ड्राई हो गया है। अब 1 मिनट और इसको ऐसे पकाएंगे, अभी कवर नहीं करेंगे। तो चले जब तक ये पानी ड्राई होता है थोड़ा सा, तो इसका तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए मैंने 1/2 प्याज दिया है, 2 tablespoon देसी घी, तो अभी इसको फ्राई करते हैं हल्का हल्का। ये कुक नहीं करना प्याज को, ये कच्चा कच्चा सा रखना है। अभी इसमें हरी मिर्च डालेंगे,
एक मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पर प्याज माशाल्लाह देखो सॉफ्ट हो गया, तो बस तड़का रेडी है, तो अभी लगाते हैं। माशाल्लाह देखते हैं, माशाल्लाह से ये मेरी रेसिपी रेडी हो गई है, तो डिश ऐड करके दिखाते हैं। चिकन और पालक की रेसिपी मैंने डिश ऐड कर ली है, तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।